IMD अलर्ट, 48 घंटे तक 10 राज्यों में बारिश, राजस्थान तमिलनाडु में गरज चमक आंधी, आज से डिप्रेशन सक्रिय, 2 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बदलेगा मौसम, जाने दिल्ली यूपी बिहार पर पूर्वानुमान, राजस्थान समेत यूपी में मंगलवार तक बारिश आंधी की चेतावनी। मौसम से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बारिश हो रही है। शनिवार रात से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं मंगलवार तक फिलहाल ऐसा मौसम बना रहेगा। सर्दी में भी इजाफा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2 फरवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद बारिश की संभावना बढ़ेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, करौली में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ दौसा में भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 12 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड में के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। 2 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके पश्चिम हिमालय में पहुँचने की संभावना जताई गयी है, जबकि एक डिप्रेशन केरल तट पर निर्मित हो रहा है, जिसके श्रीलंका तट पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके कारण दक्षिण भारत सहित दक्षिण पूर्व भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। डिप्रेशन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं फरवरी महीने के भी 10 दिन तक कई राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके साथ ही कुछ राज्य में कोहरे से लोगों को निजात मिली है। कड़ी तेज धूप खिलने के साथ ही तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। गर्मी की आहट तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तरी पंजाब सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली के 12 क्षेत्रों में आज बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली NCR में रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 3 फरवरी तक दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और विभिन्न राज्यों में बारिश की गतिविधि फिलहाल जारी रहने वाली है। हालांकि बारिश की रफ्तार में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक की माने तो तापमान में भी 2 से 3% की गिरावट देखी जा सकती है। हवाओं की रफ्तार पहले की अपेक्षा ज्यादा थे, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गंगोह सहित सांवली, मुजफ्फरनगर, कांधला, खतौली और आसपास के इलाके में आयोजित हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम। 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत सहित दक्षिण पूर्व भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। देश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हालांकि 2 फरवरी से एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके पश्चिम हिमालय पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली से यूपी तक ठंडी हवाओं के साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना जाहिर की गई है। 2 फरवरी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में भी बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा में बर्फबारी में हल्की कमी आएगी। हालांकि बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा।